सब्सक्राइब करें विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरन पहुंच जाए। नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम एक स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं साबूदाने की, और इसको आप साबूदाने खीर भी हम कस्टर्ड बना रहे हैं जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, और इसे बच्चे और बड़े से सभी इसको खाना पसंद करेंगे। और देख लेते हैं इसकी बनाने की विधि और सामग्री। हमने साबूदाना लिया है इस तरह, ये साबूदाना हमने करीब 50 ग्राम लिया है। इसको हमने करीब 2.5 से 3 घंटे इसको हमने भिगो दिया है। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है इस तरह, और ये हमारा करीब 50 ग्राम है। और हमने फुल क्रीम दूध लिया है करीब 500 ml, और कुछ थोड़े से हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें थोड़े से हमें करीब 3 से 4 हमने इसमें काजू, और 5 से 6 इसमें बादाम, और थोड़े से इसमें पिस्ता लिया हमने। और इसमें मीठे के लिए हम करीब चीनी डाल रहे हैं 60 से 70 ग्राम। आप मीठा जैसा आप खाना चाहें इसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और 2 चम्मच हम ये कस्टर्ड पाउडर लेंगे, हमने वनीला का कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है। इसको हम 2 चम्मच हम निकाल के इसको ठंडे पानी में या ठंडे दूध में इसको आप घोल लें। इसको गर्म में बिल्कुल नहीं डालेंगे नहीं तो ये गुल्ठियाँ पड़ जाएंगी, और इसको आप ठंडे पानी में इसको घोल लेंगे। आइए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूध में और ये साबूदाना डाल के इसको पहले हम बॉयल करेंगे। सबसे पहले हम एक पतीले में दूध रख के इसको गर्म करेंगे, और दूध इसे मेरा पहले से हमने इसको बॉयल कर लिया था, और हमने आधा दूध यानी 500 ml दूध में हमने करीब आधा दूध हमने इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा हमने इसमें करीब 1 कप पानी भी डाला हुआ है, और इसको हमने थोड़ा सा अभी पतला किया हुआ है। बाकी दूध हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसको पहले बॉयल करेंगे फिर हम, और इसमें अब हम साबूदाना भी डाल देंगे संग में, और इसको हम धीमी धीमी आँच पे इसको हम पकाएंगे। और साबूदाना को करीब 2 से 2.5 घंटे इसको ज़्यादा इसको आप भिगोएं तो ये सॉफ्ट भी हो जाएगा, और बहुत जल्दी ये बन के तैयार होगा। और इसको बराबर से चलाते जाएंगे, और इसको हम कस्टर्ड यानी वनीला कस्टर्ड फ्लेवर में बना रहे हैं, जो इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है, और ये खाने में भी अच्छे सादे आप सादा खीर भी बना सकते हैं। ये दूध भी बॉयल अप होना शुरू हो गया है, और इसमें साबूदाना जो है ये हल्का सा गलना भी शुरू हो गया, इसीलिए इसको हमने 5 से 6 मिनट देखिए दूध बॉयल होना शुरू हो गया है, और इसमें हमने साबूदाना जो डाला हुआ था वो भी गलना शुरू हो गया है, और इसको हम धीमी धीमी आंच पे इसको हम पकाएंगे। और ये हम आज हम साबूदाना एक कस्टर्ड बना रहे हैं, और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, इसे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। वैसे भी इसको सिंपल भी आप बना सकते हैं साबूदाना और दूध डाल के, और मगर ये हम नए तरीके से थोड़ा बना रहे हैं। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वैसे भी इसमें साबूदाना में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसको ये जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसको मीठे आँच पे ही हम इसको चलाते रहेंगे, और बराबर ही इसको हम चलाते रहेंगे, और नीचे ये लगने ना पाए। और हमने कस्टर्ड यानी करीब 2 चम्मच हमारा ये वनीला कस्टर्ड है, और इसको हमने ठंडे दूध में या ठंडे पानी में इसको आप घोलेंगे। और ये दीजिए हमने इसको घोल लिया है, और जब ये पक जाए तो उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए धीमे धीमे करीब इसको पकते हुए करीब 10 से 12 मिनट हो गए हैं, और दूध भी हमारा गाढ़ा हो रहा है। अब इसमें थोड़ा दूध और डाल देंगे, और दूध को भी पकते हुए करीब 2 से 3 मिनट हो गया, और दूध में बॉयल आ गया है, और ये भी गाढ़ा होना शुरू हो गया। फिर अब इसमें हम ये मेवे डाल देंगे, इसमें हमने पिस्ता काजू और बादाम डाला हुआ है, और इसमें हम चीनी भी डाल देंगे। और चीनी जब कभी भी खीर या सिवई या इस तरह की साबूदाने की बनाए तो साबूदाना पकने के बाद ही इसको डालें, नहीं तो जो साबूदाना है या सिवई है या खीर चावल वो पकते नहीं है,
एक बात ये ध्यान रखेंगे कि हम जब ये पक जाए तो दूध भी गाढ़ा हो जाए, सब चीनी तब डालेंगे, उसके बाद इसको फिर पका लेंगे। और हमने इसको मेवा भी डाल दिया है और गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और हमने जो वनीला कस्टर्ड पाउडर था इसको भी हमने दोबारा से वो चला लिया, इसलिए कि ये बैठ मतलब नीचे बैठ जाता है। और इसको हम धीमे धीमे डालते हुए इसको बराबर हम चलाते जाएंगे और इसको बराबर से चलाते जाए और धीमे धीमे ये गाढ़ा होना शुरू हो गया ये। और आज हम थोड़ी सी धीमी रखेंगे और आज हम इसमें बिल्कुल धीमी रखेंगे। देखिए बिल्कुल ये गाढ़ा हो गया। आप इसको चाहे गर्म भी खा सकते हैं और इसको आप ठंडा करके भी खा सकते हैं। इसको आप फ्रिज में करीब एक दो घंटे रख दें और ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है ये स्वाद। और इस समय मौसम भी चेंज हो रहा है और गर्म का मौसम आ ही रहा है, तो आप उसको इसमें बना के आप इसको ठंडा ठंडा इसको सर्व करें। और कुछ लोग इसको गर्म भी खाना पसंद करते हैं। और अगर आप व्रत गर्म बनाना चाह रहे हैं तो इसको आप व्रत में भी बना सकते हैं, मगर उसमें ये कस्टर्ड पाउडर जो नहीं यूज होता, आप इसकी सादा मतलब जो है साबुदाना उसकी आप खीर बनाएं। अब इसको हम गैस ऑफ कर दे रहे हैं और ये बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा। अब इसको हम रख देंगे और इसको हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। और थोड़ा फिर बाद में इसको हम फ्रिज में भी रख देंगे और इसको हम बाद में ठंडा भी खाएंगे। लीजिए बनकर तैयार है साबूदाना खीर कस्टर्ड और ये खाने में बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। आप इसे ठंडा या गर्म जैसा चाहे आप इसको खाएं। आप इसको हमारे दिए तरीके से इसको एक बार बनाएं जरूर। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।